सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मेक ओवर बाय कनिका। सो आज मैं आपके साथ ये अगेन एक बहुत ही प्यारा सा आई मेकअप लुक लेके आई हूँ। आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा, यार बहुत ही अच्छा आई मेकअप लुक है और बहुत इजी है अचीव करने के लिए। और जिन लोगों को होता है ना कि जिस कलर की ड्रेस डाल रहे हैं उसी कलर का आई मेकअप करना है, तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और बहुत ही ईजी आई मेकअप है, बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे अगर आप मेरा जो वीडियो है वो पूरा देखोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स में आपको बताया है कि कैसे क्या करना है और कैसे ये लुक आप ईजिली अचीव कर सकते हो घर में। और हाँ, आप ये वाला आई लुक किसी भी कलर के साथ अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने अगर ग्रीन शेड लिया है, सो आप इसको जौन सा भी आप ड्रेस वेयर कर रहे हो, जौन सा भी आप सूट या साड़ी या व्हाटएवर जो भी आप वेयर कर रहे हो, आप उसके साथ ये वाला मेकअप लुक, आई मेकअप लुक बहुत ही ईजिली कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे एक सीरम अप्लाई करा है। सीरम मतलब अपने फेस को एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र देने के लिए मैंने जो है वो सीरम अप्लाई करा है। एंड उसके बाद आपको पता है कि हमें प्राइमर तो लगाना ही लगाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्राइमर। प्राइमर अपना लगाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ग्लिटर्स भी यूज़ होंगे इस आई मेकअप में, सो फॉल आउट ना हो कोई भी। सो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले आई मेकअप ही करें। आप लोगों को जैसे इजी लगता है पहले बेस करना है, बेस करके फिर आई मेकअप कर लो। और सबसे पहले मैं अपनी आईज़ को कंसील कर रही हूँ। सो आप ट्राई करो गर्मियों में ना कोई भी क्रीम बेस्ड कंसीलर ना अवॉइड करो, और ये जो लिक्विड कंसीलर्स होते हैं ना, इन्हें आप अपने एज अ आई बेस में अप्लाई करो, क्योंकि जो क्रीम कंसीलर होता है वो क्रीज करता ही करता है, चाहे आप उसको जितना मर्जी सेट कर लो। सो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ना कंसीलर अप्लाई करा है, लिक्विड कंसीलर। एंड उसके बाद मैं उसको भी पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मैं इन साइड का लूज पाउडर लेके अपने पूरे आईज़ को सेट कर रही हूँ, क्योंकि क्रीजनिंग ना हो। गर्मियाँ हैं, समझ आ गए हैं, सो क्रीजिंग की प्रॉब्लम तो आती ही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक बॉटल ग्रीन कलर का शेड जो होता है, डार्क ग्रीन कलर का शेड, वो ले रही हूँ एक ब्रश पे, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पे। एंड उसे मैं ना अपने आउटर और इनर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने कैसे प्लेस करा है। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर जस्ट उसको प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक मस्टर्ड सा शेड लेके जो हमारे ये ग्रीन कलर जो है ना, उनके कॉर्नर्स को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देखा आपने कैसे मैंने ब्लेंड करा, और हार्शली ब्लेंड नहीं करना। उसके बाद जो मेरी ड्रेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे शिमर अप्लाई करा है, और सिर्फ सेंटर पार्ट में जो है ना, यहाँ पे मैंने शिमर अप्लाई करा है, आपको दिख रहा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ये ग्लिटर्स अप्लाई कर रही हूँ, जो पिगमेंट्स होते हैं लूज पिगमेंट, उसको मैंने ग्लिटर जेल, जो ग्लिटर ग्लू आती है, उसके साथ मिक्स करके यहाँ पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। बस इतना सा मेकअप है, देखो कितना इजी है, बहुत ही इजी है अचीव करने में और बहुत ही सुंदर लगता है। एंड उसके बाद आते हैं बेस मेकअप में। सो बेस मेकअप के लिए सबसे पहले हम अपने डार्क स्पॉट्स और अपने पिगमेंटेड एरियाज़ को कंसील कर रहे हैं, और वो मैं यहाँ पे इन साइड का कंसीलर व्हील ले रही हूँ, कलर व्हील जो आता है, उससे मैं जहाँ पे भी मेरे डार्कनेस है, कोई भी स्पॉट्स हैं, कोई भी पिंपल स्पॉट्स हैं, उस पे अप्लाई करके फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और आप पहले ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करके फिर एक बार ही आप उसको स्पॉन्ज की हेल्प से ना बस ब्लेंड कर देना, उसे बहुत ही प्यारा लुक आता है। और उसके यहाँ अच्छे से ब्लेंड करना, और ब्लेंडिंग के लिए आपको पता ही है कि ज़्यादा हमें ना वो नहीं करना, क्या कहते हैं, प्रेशर नहीं देना होता ब्रश पे ना, सिर्फ सॉफ्ट हैंडली ब्लेंड करना होता है। सो यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे आपने देखा, कुछ नोटिस करा, मैंने फाउंडेशन नहीं अप्लाई करा, ये एक तरह से मैं नो फाउंडेशन भी कह सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ सेम अपने कंसीलर से ही, देख सकते हो अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे ना कंसीलर लगा रही हूँ, ये लाइट शेड का बस। और मतलब आईज़ पे थोड़ा सा, फोरहेड पे और चिन पे और अपने चीक्स पे थोड़ा सा, जो मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ, सिर्फ उसी एरिया पे मैंने कंसीलर अप्लाई करा है। एंड उसे मैं ना एक ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रीम कंसीलर। सो यहाँ पर मैं अपने फिंगर के टिप से ही उसको पहले अप्लाई करूँगी, एंड देन उसको ब्लेंडर की हेल्प से ना ब्लेंड कर दूँगी। और कोई फाउंडेशन यहाँ पर हमने यूज़ नहीं करा, जस्ट कंसीलर लगा के उसके बाद मैं जो मेरा क्रीम प्रोडक्ट है और लिक्विड प्रोडक्ट है वो पहले लगाऊँगी अपने फेस को सेट करने से पहले। और यहाँ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं एक ब्राउन शेड
ब्राउन कलर का क्रीम शेड लेके, मतलब क्रीम प्रोडक्ट है ये मेरा, और उसी से ही मैं कॉन्टोर करूँगी। और ये मैं यहाँ पर इनसाइड की जो लिप पैलेट है ना, उसका जो शेड है उससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अब तक अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको ये मेकअप मेरा अच्छा लगा हो, आई मेकअप। सो ये आई लुक आप किसी भी वेडिंग में, किसी भी पार्टी में और अपकमिंग जो हमारे फेस्टिवल्स आएंगे, आप उसमें भी अच्छे से ये लुक अचीव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है अचीव करने में। आपने देखा ही कि फटाफट आई मेकअप होने वाला है। देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत कुछ होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी सा सिंपल सा मेकअप है और कभी भी ये आउट ऑफ मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हटके मेकअप कर रखा है, मेकअप कर रखा है। बहुत ही अच्छा ग्लैम लुक आता है ये वाला मेकअप करने से। नेक्स्ट मैं कॉन्टोर ब्लेंड करने के बाद अपने पूरे फेस को पाउडर की हेल्प से ना सेट कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं अगेन इनसाइड का ही पाउडर का शेड ले रही हूँ, क्या कहते हैं, लूज़ पाउडर शेड यहाँ पे मैं इनसाइड का ही ले रही हूँ और उससे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और मैं यहाँ पर अपने चीक्स पे थोड़ी सी बेकिंग भी करूँगी। और उसको थोड़ी देर के लिए लीव कर दूँगी। तब तक मैं जो है अपना आईब्रो सेट कर लूँगी। सबसे पहले मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ और एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक ब्राउन शेड लेके अपने गैप्स को फिल करूँगी, अपनी सिर्फ जो शेप है उसको वो करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जो अपने स्ट्रोक्स देने हैं ना अपने आईब्रोज में, वो बहुत ही सॉफ्ट हैंडेडली देने हैं। अगर आप डार्क डार्क कर दोगे सो आप उसको ब्लेंड नहीं कर पाओगे और वो बहुत ही अजीब सी ड्रामेटिक आईब्रोज लगेंगी, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। सो नेक्स्ट आते हैं आई मेकअप की तरफ दोबारा से। सो यहाँ पर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन पर एंड उसे मैं अगेन वही ग्रीन शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ जो मैंने सबसे पहले अपने आउटर और इनर कॉर्नर पर लगाया था। उसी के साथ मैं अपने काजल को स्मोक आउट कर लूँगी और ये वाला जो इससे बहुत ही लुक जो है हमारा इनहेंस हो जाता है स्मोक आउट करने से। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये, अगर आप फॉल्सेस नहीं लगा सकते, और हाँ जिन जिनको प्रॉब्लम होती है फॉल्सेस लगाने के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको आपके लिए डालूंगी जिससे आपको कभी भी फॉल्सेस लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से आप फॉल्स लैसी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे पाउडर ब्रॉन्जर से ना थोड़ा सा अपना सेट कर रही हूँ फेस को। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लशर और डार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पाउडर ब्लशर ही अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसके बाद अब हम अपने फेस को हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ हाईलाइटर, और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हम हाईलाइटर अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे मैं जो है ना वो पाउडर हाईलाइटर ही अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, और अपने ब्रोबोन को भी हम हाईलाइट करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। और इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करना मत भूलना अगर आप आई मेकअप जो है वो हैवी आई मेकअप लुक कर रहे हो। एंड उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे अपने लिप्स को ओवरलाइन करूँगी ब्राउन लिप लाइनर से ही। एंड उसके बाद उसमें एक न्यूड शेड अप्लाई कर दूंगी, लिक्विड न्यूड शेड, और वो है मेरा माई ग्लैम का शेड है। बहुत प्यारा शेड लगता है ये, और अगर आपने आईज़ जो हैं वो बोल्ड रखी हैं तो आप लिप्स जो है ना वो हमेशा से न्यूड की तरफ जाओगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आएगा। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप डार्क लगाना चाहते हो लिप शेड तो डार्क भी लगा सकते हो। सो ये है मेरा ओवरऑल लुक। आप देख सकते हो कि कितना सही लग रहा है ये लुक, कितना आसान सा आई मेकअप है और उसने हमारे लुक को कितना एनहेंस कर दिया है ना। सो मिलते हो अपनी ड्रेस वेयर करके। सो ये देखो यहाँ पे मैंने एक बिंदी ऐड करी है स्टोन वाली, और ये मेरा बिल्कुल कलर के साथ है आई मेकअप, देखो मैच हो गया और बहुत ही प्यारा लुक लगता है ये, बहुत ही अच्छा। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।